بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद करता हूँ अहबाब खैर से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम तफ़सीर जलालैन के दर्स नंबर 114 में सिपारा नंबर 17 से सूरह हज की मुंतखब करदा आयात 34 और 35 को पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें कलाम बारी ताला और कलाम मुफस्सिर का तर्जमा होगा। रबत व ताल्लुक आयात को ज़िक्र किया जाएगा। कलाम मुफस्सिर की तशरीह व तौदीह करने की सआदत हासिल करेंगे। आइए तलबाए किराम बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब तआला ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमु वबशिरिल मुख्बितीन। आइए तलबा इकराम सबसे पहले इन आयत मुकद्दसा का माकबल आयात के साथ रबत और ताल्लुक जान लेते हैं। उलमा व मुफस्सिरीन किराम इन आयात का माकबल आयात के साथ पहला ताल्लुक कुछ यूँ बयान करते हैं कि पिछली आयात में मुसलमानों को हज के अहकामों कवायद समझाए और बताए गए हैं। अब इन आयात में साबिका गुज़श्ता मोमिन उम्मतों का ज़िक्र किया जा रहा है कि हज व कुर्बानी के शरई अहकाम उनके लिए भी नाफिजुल अमल थे। दूसरा ताल्लुक इन आयात का माकबल आयात के साथ कुछ यूँ ज़िक्र करते हैं कि पिछली आयात में कुर्बानी उमूमी और हज के जानवरों का ज़िक्र किया गया है कि उनसे ज़िबह करने के पहले फ़ायदा ले सकते हो। अब इन आयात में उनकी कुर्बानी करने का तरीका और ज़िक्र सिखाया जा रहा है। तीसरा ताल्लुक इन आयात का माकबल आयात के साथ कुछ यूँ ज़िक्र करते हैं कि पिछली आयात में शाइरुल्लाह की ताज़ीम करने वालों का ज़िक्र हुआ है। अब इन आयात में दीगर इबादात यानी सबर और नमाज कायम करने वालों का तज़किरा हो रहा है। गोया के पहली आयत में मुसब्बबात का ज़िक्र हुआ है, अब यहाँ असबाबो इलल का तज़किरा हो रहा है। आइए तलबा इकराम रबतो ताल्लुक आयात के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स के तर्जमा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से रब ताला फरमा रहे हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और आपसे पहले हर मोमिन जमात जो भी गुजर चुकी है उसके लिए भी हमने कुर्बानी को मुकर्रर कर दिया था, यानी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना या फिर कुर्बानी की जगह को। मनसकन के हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं कि ये सीन के फतह के साथ मस्तर है अक्सर कुर्रा किराम के नज़दीक, और अगर इसे सीन के कसरा के साथ पढ़ा जाए तो ये इसमें मकान होगा। और इस किरात के कारी हज़रत हमज़ा हैं और कारी अली हैं। क्या मुकर्रर किया हमने, लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ये कि वो मखसूस चौपायों के ऊपर जब उन्हें ज़िबा किया जाए तो उस वक़्त अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने ही उन्हें अता किए हैं। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस तुम्हारा जो खुदा है वो वाहिद है यकता है। फ़लहु अस्लिमु, बस उसी के ताबे फरमान रहो उसी की इताअत करो। वबशिरिल मुखबितीन, और महबूब खुशखबरी दीजिए इताअत करने वालों को और तवाज़ो करने वालों को। तवाज़ो करने वाले और इताअत करने वाले ये अल्लाह के वो बंदे हैं, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं। वस्साबिरीन अला मा असाबहुम मिनल बलाया, और जब इन पर मुसीबतों में से कोई मुसीबत पहुँचती है तो ये उस पर सब्र करते हैं। नमाजों को उनके औकात में कायम करते हैं, और जो हमने इन्हें रिजक दिया है उससे ये सदका व खैरात करते हैं, रब के रास्ते में खर्च करते हैं।
आइए तलबा इकराम तर्जमा के बाद बढ़ते हैं आज के दर्स की तशरीह व तौदीह की। यहाँ से हज के तमाम ज़बीहों के इजमाली ज़िक्र के बाद अब आम सालाना कुर्बानी का जिक्र फरमाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत के लिए इब्तिदाए आदमियत से आज तक और आज से ता कयामत जितने भी अहले ईमान हुए हैं या होते रहेंगे वो मुख्तलिफ ज़मानियात में, शख्सियात में, मकामात में, ज़रूरियात के लिए हर शरीयत में एक मनसक और कुर्बान गाह का मज़बह और मनहर हमने मुकर्रर और वाजिब फरमा दिया है। अल्लाह के नाम पर जानवरों की कुर्बानी ए मुसलमानों सिर्फ तुम पर ही वाजिब नहीं, ये इबादत हर शरीयत में हर उम्मत पर वाजिब की गई थी ताकि हर मोमिन अपने इलाका में अल्लाह के हलाल किए हुए बहीमा जानवरों चौपायों को उसी के नाम पर ज़िबाह किया करें। यहाँ वली कुल्ली उम्मत इनके अल्फाज पहले इरशाद फरमाने में हसर का इजहार हुआ है, यानी कोई भी उम्मत इस हुक्म कुर्बानी से अलहदा नहीं है, अगरचे कुर्बानी की तारीखें और तरीके हर शरीयत में मुख्तलिफ होते रहे हैं। 10 ज़िलहज की तारीख हजरत इब्राहिम के वाक़े ज़िबह इस्माइल के बाद से मुकर्रर हुई। आपकी यादगार कायम करने के लिए हाजी लोग मीना में और बाकी मोमिनीन अपने अपने घरों में आज भी कुर्बानी को करते हैं। इस आयते मुकद्दसा में 4 चीज़ों को बयान किया गया है। पहली ये है कि अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो, इससे काफिरों मुशरिकों के ज़बीहों को हराम किया गया और अहले ईमान का ज़बीहा ही हलाल रखा गया। और दूसरी चीज़ जिक्र की गई अला मा रज़क़हुम, इसमें हलाल मलकियत का जिक्र किया गया ताकि मोमिन हराम मलकियत से बचे। और तीसरी चीज़ बहीमा यानी पैदायशी हलाल जानवर की ही हमेशा कुर्बानी हर शरीयत हर उम्मत में जायज़ रही है। और चौथे नंबर पे लफ्ज़ अनआम को जिक्र किया यानी 4 पांव वाले। खुलासा ये कि कुर्बानी में 4 हिल्लतों का हुक्म है और 4 हुरमतों से बचाया गया है। हलाल मलकियत से हासिल करके कुर्बानी करे, हलाल तरीके से करे, हलाल जानवर को कुर्बान करे और हलाल चौपाए की कुर्बानी वाजिब है। और हराम मलकियत से, हराम तरीक़ा ज़िबह से, हराम जानवर से, हराम चौपाए को ज़िबह करने से बचे, ये हलाल के करने और हराम से बचने का हुक्म है। मन सकन के हवाले से जिक्र किया कि सीन के फतह के साथ हो तो मस्तर है और अगर सीन के कसरा के साथ हो तो फिर कुर्बानी की जगह या फिर कुर्बानी बतौर कुर्बानी होगा। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम तमाम इंसानों का हर जमाने की हर उम्मत का एक ही माबूद है, कोई शख्स उसकी ज़ातो सिफात कुव्वतो कुदरत मिल्कियत में कतान भी उसका शरीक नहीं है। लिहाजा ऐ लोगो, हर काम, हर कलाम, हर आदत और इबादत में अपना सर फालहू अस्लिमु, उसी के लिए झुका दो और उसी के ताबे फरमान बन जाओ और सरे तस्लीम उसके सामने खम कर दो। वबशिरिल मुखबितीन, महबूब खुशखबरियां दीजिए इताअत करने वालों को, तवाजो करने वालों को, खुशू व खुजू करने वालों को। ये लोग जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, जिन्हें खुशखबरी का हुक्म दिया गया है कि महबूब इनको खुशखबरी दीजिए, यानी जो मुतीईन हैं, मुतबादिईन हैं, इनकी 4 निशानियां आगे जिक्र फरमा रहे हैं। यही वो खुश नसीब लोग हैं, लायके बशारत हैं, जब भी इनके सामने रब ताला का जिक्र किया जाए तो इनके दिल जलाले किबरियाई के रोब से थरथराने लगते हैं। और यही लोग हैं कि अल्लाह की तरफ से हर आने वाली मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, परेशानी पर ये सब्र करते हैं। और यही वो लोग हैं जो हर हाल में बहुत अच्छे हैं, नमाजों को कायम करते हैं उनके औकात में। और यही वो लोग हैं जो हमारे दिए हुए रिज़्क से सदका व खैरात करते हैं। गर्ज ये कि इन मुखबितीन के ऊपर इख़बात के 4 असर होते हैं। पहला असर वाजिलत की खशियत है, दूसरा असर सब्र का तकवा है, तीसरा असर शुक्र की नमाजों का कायम करना है और चौथा असर ज़कातो खैरात सदकात बिला तफरीक अपने माल को खर्च करना है। कुफार ने 6 कुफर ईजाद किए जिसकी वजह से ज़मीन पर फसाद हुआ। उनके कुफर की गिलाजत को धोने के लिए और कुफरियात को तोड़ने और इस्लाह ज़मीन के लिए
ईमान वालों को रब ताला ने 6 आदतें दीं। पहली ये कि कुफार ने बुतों को सजदा किया, मोमिनों को जामे इबादत नमाज दे दी गई। कुफार ने अल्लाह ताला के रिज़्क़ को बुतों पर चढ़ावा किया, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को सदका व खैरात ज़कात अदा करने का हुक्म दे दिया। तीसरे नंबर पे कुफार ने बुतों के लिए फाके और तरके दुनिया का एक ढोंग रचाया, तो इस्लाम ने मुसलमानों को फर्जी रोजों और एतिकाफ का इनाम दे दिया। चौथे नंबर पे कुफार ने बुतों की यात्रा गंगा कुफर व शिर्क के लिए मेले लगाए, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हज उमरा की हाजिरी के लिए काबा में बुलवा लिया। पांचवें नंबर पे कुफार ने बुतों के नाम पर जानवर भेंट चढ़ाए, तो रब ताला ने मुसलमानों को कुर्बानी का हुक्म दे दिया। कुफार ने अदुवुल्लाह की ताजीम की, तो रब ताला ने मुसलमानों को शाइरुल्लाह की ताजीम का हुक्म दे दिया। कुफार का हर काम शिर्क बिल्ला और मोमिन का हर काम इबादतुल्लाह है। माल का जो अल्लाह के बंदों का जिक्र किया गया कि वो रब की बारगाह में अपने माल को खर्च करते हैं, तो माल का खर्च करना ये 5 किस्म का होता है, जिनमें सिर्फ एक तरीका हक है और 4 तरीके बातिल हैं। पहला तरीका इन्फाक है, यानी हलाल रिज़्क हो, हलाल ही जगह पर खर्च किया जाए। इसकी 8 सूरतें हैं। अपनी ज़रूरियात पर, अपनी आल पर, अपनी औलाद पर, कराबत दारों की सिला रहमी पर, मोहताजों पड़ोसियों पर, मसाजिदों मदारिस पर, इबादतों ज़रूरियात दीन पर और सदकाते जारिया के तौर पर मफादे आमा पर, ये सब इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जुमरा में आते हैं। और दूसरी किस्म खर्च करने की इसराफ है, यानी फजूल खर्ची। और तीसरी किस्म खर्च करने की तबजीर है, ये हराम है, यानी हराम कमाना और हराम जगह के ऊपर इसे खर्च कर देना। और चौथी किस्म बुख्ल है, ये न जरूरियात पूरा करने पर खर्च करे, न फी सबीलिल्लाह खर्च करे, और अगर मजबूरन खर्च करना पड़ भी जाए तो रो रो कर खर्च करे। इन आयते करीमा में मुफस्सिरीने किराम कुछ अकवाल करते हैं। लिकुल्ली उम्मतिन में 2 जिक्र किए गए हैं कौल। बाज़ ने फरमाया इससे मुराद तमाम मोमिन साबिका उम्मतें हैं, और यही कौल दुरुस्त है। और बाज़ ने फरमाया कि इससे तमाम मुसलमान तक क़यामत मुराद हैं, यानी हर इलाके के, हर गिरोह के, हर साहिबे निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मन सकन की क़िराअत में 3 कौल जिक्र करते हैं। ये इसमें ज़र्फ़े ज़मानी है, अगर सीन के फतह से इसे पढ़ा जाए तो कुर्बानी का वक्त मुराद होगा। और दूसरा कौल यह है कि इसमें ज़र्फ़े मकानी मन सिकन है, तो कुर्बानी की जगह मुराद होगी। और तीसरा कौल इसमें ये जिक्र करते हैं कि ये मसदर मीमी मन सकन है, बमाना कुर्बानी करना। मन सकन के मकाम में 2 कौल हैं। बाज ने कहा इससे मुराद मीना का मजबाहा है, मगर ये कौल रविशे कलाम के खिलाफ है, इसलिए ये गलत है। और बाज ने कहा इससे मुराद दुनिया भर का हर इस्लामी इलाका है जहां मुसलमान कुर्बानी करें। अल मुखबितीन के माना में 6 कौल जिक्र करते हैं। इसका माना आजजी वाले, इसका माना हुकूकुल्ला में नरम दिल वाले, हुकूकुल इबाद में रहम दिल वाले, और तीसरा माना इसका ये करते हैं मुतमईन दिल वाले, चौथा माना बेरिया मुखलिसीन, पांचवा माना कोशिश हिम्मत मोहब्बत से इबादत करने वाले, और छठा माना इसका ये करते हैं कि अल्लाह ताला की हर तकदीर तदबीर तहकीम तशरी पर खुश और राजी रहने वाले। युनफिकून में 3 कौल जिक्र करते हैं। बाज ने कहा युनफिकून का माना है जक़ात देते हैं, क्योंकि नमाज के साथ हमेशा जक़ात का ही जिक्र होता है, और हुक्म भी दोनों का एक ही है कि दोनों फ़र्ज हैं। और बाज ने कहा इससे मुराद हर तरह के सदकातो खैरात हैं, और यही कौल ज़्यादा मुनासिब है।